हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री पे आपका स्वागत है। तो गाइस, बेसिकली ये वीडियो रहने वाला है कि क्या सेल्स प्रोफाइल में करियर भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। और बिफोर वी गो अहेड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मोटिवेशन प्लस किसी ना किसी की हैप्पीनेस का सोर्स है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। तो देखिए, सेल्स में करियर आप तब बना पाएंगे भाई जब आपको 2 3 4 साल तक आप उस प्रोफाइल पे, बेसिक लेवल की प्रोफाइल पे आप घिसेंगे खुद को। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिसी बाजार में हैं, ठीक है, प्रमोशंस नो डाउट आपको इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान, इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर भी बताया हुआ कि आप 9 महीने में प्रमोशन ले सकते हैं, 1 साल में भी प्रमोशन ले सकते हैं। फास्टेस्ट प्रमोशन प्रमोशन ये तब है जब आपका जो बोलते हैं ना, एक परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज या फिर एक्सीलेंट की कैटेगरी में, तभी आप प्रमोशन ले पाएंगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ भाई, मेरी टीम में जो टीएल थे उनकी जबरदस्त कमांड थी इस पे, सेल्स पे, ठीक है, और उन्होंने 2 साल, 2 ढाई साल के अंदर है ना, वो टीएल की पोस्ट पे आ गए, एजेंट से टीएल बन गए। ठीक है, 2 ढाई साल उन्हें भी लग गए जिसमें कि वो मतलब जबरदस्त थे भाई, टारगेट अचीव कर रहे थे, अबव टारगेट से भी ऊपर ही कुछ ना कुछ मार रहे थे। ठीक है, तो टीएल की पोस्ट आपको 2 साल 3 साल के बाद मिल पाएगी, या मतलब ढाई मान के चलो यार, 2 ढाई साल में आपका करियर बनेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं 6 महीने बाद ही कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं, या फिर, तो वो एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन हो जाती है भाई। ठीक है, कम से कम आपको साल, 1.5 साल, 2 साल तक, आपको 2 साल तक तो मिनिमम टिकना ही पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल हो जाओ किसी दूसरी कंपनी में भी जाने के लिए। दिखाओ भी तो गए कुछ डाटा कि मैंने इतना काम किया, मैंने इतना इंसेंटिव कमाया, मैंने इतने क्लाइंट्स जोड़े। तो सेल्स की प्रोफाइल में करियर तब है जब आपका 2 ढाई साल तक आप लग के रुकोगे यार, चाहे वो बायजूस हो, जी यहाँ पे बायजूस में भी फास्ट प्रमोशन थे यार। बायजूस में 1 साल के अंदर वो आपको BDTM बना रहे थे, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी मैनेजर। ठीक है, जो आपको, जो मतलब जब आप फ्लोर पे जाते हो ना तब आपको जो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, लेकिन वो तभी है यार जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो, और एक्सेप्शंस की ज़बरदस्त हो सकती है भाई। जो नॉर्मल बंदे हैं ना उनको 2.5 3 साल का समय लग जाता है यार बायजूस में। नो डाउट, मेरा फ्रेंड है बायजूस में काम कर रहा है, वो BDTM बना लगभग 2 साल के बाद। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया रहते होंगे यार, लेकिन मतलब ऑन एन एवरेज है ना 2 ढाई साल का रहता ही है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, बार बार एक ही बात को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और मेक श्योर टू लाइक द वीडियो अगर आपको ठीक लगती है इन्फॉर्मेशन, और डू सब्सक्राइब द चैनल। अभी बार बार मत कहलवाया करो यार। ओके, चलिए बाय।